उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आज भारतीय जनता पार्टी की वाराणसी शहर इकाई के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में किसी भी तरह के अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा और कानून व्यवस्था के नाम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके पूर्व उन्होंने भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग समारोह में कार्यकर्ताओं को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला, एक नया उत्साह देने वाला और एक नया लक्ष्य देकर के उनको फिर से वह जिम्मेदारी जो उनके पास है उसे आगे बढ़ाने वाला।